जितनी बार वहां गए, जितनी बार उन्होंने वहां मुंह खोला, उतनी हमारी सीटें बढ़ी। दोस्तों, कर्नाटक के इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका है। आप यहां पर देख सकते हैं कांग्रेस को एक बड़ी जीत हासिल हुई है। टोटल 224 सीट थे, जिसमें से सरकार बनाने के लिए कांग्रेस को चाहिए था 113 सीट। ऑफिशियल डेटा आप यहां पर देख सकते हो, कांग्रेस 136 सीटों से आगे चल रहे हैं। इलेक्शन रिजल्ट पर ओवैसी का एक रिट्वीट आया, आप लोग यहां पर देख सकते हैं, जिसमें लिखा है हिजाब बैन करने वाले मिनिस्टर नागेश 16,000 वोट से हार चुका है। और AIMI के स्पोक पर्सन वारिस पाठान ने भी ट्वीट किया, और ये है कनिष फतिमा, ये गुलबर्गा से चुनाव लड़ी थी, इसका भी कामयाबी हासिल हुई है। जब ये इलेक्शन कैंपेन कर रही थी, उस वक्त भी ये हिजाब पहनकर इलेक्शन कैंपेन कर रही थी, आप वीडियो में देख सकते हो। जैसे ही रिजल्ट सामने आया, ये जीत चुके हैं। उसके बाद इनके बस्ती के नौजवान किस तरीके से खुशियां मना रही हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं। इलेक्शन से पहले इन महिला का वीडियो काफी वायरल हुआ था, आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि इनका बेटा कनाडा से आया था बीजेपी को वोट डालने के लिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कर्नाटक में काफी सारे रैलियां की थी, लेकिन ऐसा लगा कि इनकी हवा नहीं चल पाई। कांग्रेस ने पब्लिक के मुद्दे उठाए, एडुकेशन के ऊपर भी बात की थी। इलेक्शन जीतने के बाद राहुल गांधी का क्या कहना है, आप सुन सकते हैं। सबसे पहले मैं कर्नाटक की जनता को, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के सब कार्यकर्ताओं को, सब नेताओं को, और जो हमारे सब नेताओं ने कर्नाटक में काम किया, उनको बधाई और धन्यवाद देता हूं। कर्नाटक के चुनाव में एक तरफ क्रोनी कैपिटलिस्ट की ताकत थी, दूसरी तरफ गरीब जनता की शक्ति थी, और शक्ति ने ताकत को हरा दिया। और यही हर स्टेट में होगा। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में गरीबों के साथ खड़ी हुई, हम गरीबों के मुद्दों पर लड़े। और मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि हमने नफरत से, गलत शब्दों से ये लड़ाई नहीं लड़ी। सस्पेंड बीजेपी MLA राजा सिंह ने जहां जहां पर कैंपिंग किया था, वहां पर सारे बीजेपी के MLA हार चुके हैं। ये लोग जो हैं, हमेशा भड़काऊ भाषण देते हैं इस्लाम के खिलाफ, तो इनको लगा था इस बार भी भड़काऊ भाषण देंगे तो जीत जाएंगे। लेकिन पब्लिक समझ चुकी थी कि ये खुद के इलाके पर कुछ नहीं कर सका, तो कर्नाटक में क्या कर देगा। दोस्तों, स्क्रीन पर देख सकते हैं कि रूबिका लियाकत ने कांग्रेस के स्पोक पर्सन के साथ डिबेट कर रही है, लेकिन कांग्रेस के स्पोक पर्सन रूबिका लियाकत को एक झटके में मुंह बंद कर दिया। घनी मुबारकबाद आपने, खम्मा घनी भी, 136 सीटें आप लेकर आए, इसके पीछे के सबसे बड़े कारण क्या रहे? मैं अगर आपको सच सच बताऊं तो 50% कांग्रेस का इसमें भूमिका है, और 50% नरेंद्र मोदी जी की भी भूमिका है इसमें, नहीं तो इतना अच्छा रिजल्ट हमें नहीं मिलता। 50% नरेंद्र मोदी जी की भूमिका कैसे? वो जितनी बार वहां गए, जितनी बार उन्होंने वहां मुंह खोला, उतनी हमारी सीटें बढ़ी। प्रवीण तोगड़िया एक बार फिर से भड़काऊ बयान देते हुए कहा, ऐसा कानून बनाएंगे दो से ज्यादा बच्चा करने वाले मुसलमान को सरकारी रेशन, नौकरी, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल में मुफ्त सेवा नहीं दी जाएगी। इसने कहा कि देश में PM, CM, DM, जज, हिंदू के अलावा किसी और को नहीं बनने देंगे। हम भारत में मुसलमानों की संख्या बढ़ने नहीं देंगे। कानून बनने के बाद दो से ज्यादा बच्चे पैदा करे वो मुसलमान को सरकारी अन्न नहीं, सरकारी स्कूल हॉस्पिटल में मुफ्त में सेवा नहीं, बैंकों से लोन नहीं, सरकारी नौकरी नहीं, और फिर भी बच्चा पैदा करते तो 10 साल के लिए जेल में डाल देंगे। दूसरा, सरकार पर हिंदुओं का कंट्रोल करवाएंगे। कैसे? संविधान संशोधन करेंगे कि ये देश पे प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर, DM, कलेक्टर, SP, जज, देश में हिंदू के अलावा किसी को बनने ही नहीं देंगे। दोस्तों, इन सारे तमाम मामले पर आपका क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।